इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, सभी से गुजारिश है कि लॉकडाउन होने की वजह से हर एक इंसान परेशान है। अल्लाह ताला ये परेशानी को दूर करे और ये बीमारी से हमें निजात और शिफा दे। अभी हमारी जितनी ताकत है हम कोशिश कर अभी तक हमारे यंग कमेटी के लड़के लोग और जमात के साथी सभी लोग मिलकर 1000 पैकेट का इंतज़ाम हम लोग कर चुके हैं और जो ज़रूरतमंद है उन तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और ये हमारा लॉकडाउन ख़त्म होने तक ये हमारा इंशाल्लाह रिलीफ चलता रहेगा और जो भी ज़रूरतमंद है इंशाल्लाह हम तक आकर रब्ता कायम करें, हम उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये देने वाला अल्लाह है, हम तो एक ज़रिया है। अल्लाह जो भी इंसान जिसके रिजक जिसके मुकद्दर में उन तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। कोई भी गलत फहमी ना कर ले कि हमें नहीं मिला, मुकद्दर में अगर आपके ये रिजक है तो आपके घर तक ज़रूर पहुंचेगा इंशाल्लाह। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमें ताकत दे और इससे ज़्यादा काम करने की सलाहियत दे। मेरे वार्ड के लोगों से एक गुजारिश और अपील है कि लॉकडाउन होने की वजह से पुलिस भी और हमारे डीसी साहब जो भी बेलगाम के हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं और हमारे अंजुमन से भी ऐलान किया गया है, हमारी मीडिया भी बता रही है कि बाहर ना निकले। मैं लोगों से अपील करता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेहरबानी कर अपने घर से ना निकले। अगर कोई भी ज़रूरत हजत पेश आए, आपको अर्जेंट है, तो हमारे यंग कमेटी से नहीं तो हमसे रब्ता कायम करें। हम उनके घर तक पहुंचकर कोई दवा लाने का है, क्या भी सामान लाने का है, हम उनकी खिदमत में तैयार है इंशाल्लाह। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हमारी टीम पूरी तुम्हारे साथ है इंशाल्लाह। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, सुबह से शाम तक हमारे लिए वो अपना घर दार छोड़ कर हमारे भूखे पैसे हमारी तबीयत का ख्याल करते हुए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुलिस की थोड़ा बात मानकर चलेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें, अपना जो भी काम रहे पुलिस के साथ बताएं, भागे ना और पुलिस के साथ शरारत ना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे KMC ग्रुप और यंग कमेटी और इसी के साथ जमात के अफराद ने मिलकर गरीबों की इमदाद के लिए, रिलीफ के लिए कुछ राशन पानी उनके घरों के इंतज़ाम के लिए दे रहे हैं। क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जगहों पर जो गरीब लोग, जो रोज़मर्रा के जो खाने पीने वाले लोग हैं, जो कमाते हैं रोज़, तो उनके ज़रूरत ज़िंदगी गुजरना बहुत मुश्किल हो बैठी है। ये बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल-खल्क़ु इयालुल्लाह, कि मखलूक अल्लाह की याल है। वाकईतन ये सब याल अल्लाह की है, तो जो याल पर उसके मदद करता है, इमदाद करता है, तआवुन करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं जो करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो हमारे शहर, हमारे इस न्यू गांधीनगर के कॉरपोरेटर फ़हीम नायकवाड़ी साहब इसमें बड़ी मेहनत की और उनके जो नौजवान जो साथी है, यानी जो नौजवान हमारे तबका हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत कर राशन जमाए।